Hello student, myself Shani Singh from Greenfield Academy. Today's tutorial for class 4 subject Hindi, chapter 1 Manokamna. Manokamna means मन की हमारी कोई इच्छा. प्रतिदिन प्रातः जब मैं उठता हूँ धन्यवाद तेरा मैं करता हूँ. तेरी रक्षा में रात भर विश्राम पाता हूँ. आशीष तेरी और अनुग्रह चाहता हूँ. बालक जो है कविता में भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि प्रतिदिन प्रातः जब मैं उठता हूँ, प्रतिदिन सुबह रोज सुबह जब मैं उठता हूँ आपका मैं धन्यवाद करता हूँ. तेरी रक्षा में रात भर, जब आप मेरी रक्षा करते हैं उसी के सहारे मैं रात भर विश्राम करता हूँ, आराम करता हूँ. आशीष तेरी और मैं आपका आशीर्वाद और अनुग्रह चाहता हूँ. तू जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार, ना थकता ना श्रमित होता है, पापियों को तू है देता उबार. तू जो सनातन परमेश्वर, सनातन मतलब सदा रहने वाला, जो सदा रहने वाला भगवान है, पृथ्वी भर का पूरी पृथ्वी को बनाता है और ऐसा श्रमिक है, ऐसा परिश्रम करने वाला है जो कि कभी थकता नहीं है. पापियों को तू है देता उबार और जो पापी हैं, जो गलत काम करते हैं उन्हें भी तू उबार देता है, मोक्ष प्रदान कर देता है. देता है शक्तिहीनों को सामर्थ्य, बल और बुद्धि अगम अपार. सदा बढ़ेंगे, थकित होंगे ना हम, अपने धर्ममय हाथों से हमें संभाल. देता है शक्तिहीन मतलब निर्बल, जो कमजोर होते हैं उनको भी तू सामर्थ्य देता है, ताकत देता है. बल और बुद्धि अगम अपार, ऐसी बुद्धि ऐसा बल जिसका कोई अंत ना हो. सदा बढ़ेंगे, थकित होंगे ना हम, हमेशा बढ़ेंगे और कभी भी थकेंगे नहीं. अपने धर्म में हाथों से हमें, अपने न्याय के हाथों से हमें संभाल. ना करें निंदा ना किसी की बुराई, हृदय से सच बोलकर करें सदा भलाई. इस जीवन में समृद्धि और ज्ञान चाहिए, केवल भारत देश की उन्नति का वरदान चाहिए. ना हम किसी की बुराई करें ना ही हम, और हम हृदय से दिल से हमेशा सच बोलकर दूसरों की हमेशा भलाई करें, हमेशा उसके लिए अच्छा ही करें. इस जीवन में सम्मति और ज्ञान चाहिए, हमें अपने इस जीवन में आपका, आपकी सम्मति मतलब सहमति और ज्ञान चाहिए, केवल भारत देश की उन्नति का. हमें अपने देश भारत देश की उन्नति का, विकास का आपसे वरदान चाहिए. तो स्टूडेंट, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उसके आपको आंसर देने होंगे. कभी सुबह उठकर किसको धन्यवाद देते हैं, किसको धन्यवाद देते हैं? कभी सुबह उठकर देते हैं ईश्वर को, भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आपसे हमें क्या क्या चाहिए या हम क्या लेना चाहते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, कभी रात भर विश्राम क्यों पाते हैं? कभी रात भर विश्राम इसलिए पाते हैं क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं. पापियों को कौन उबारता है? थर्ड क्वेश्चन है आपका, पापियों को कौन उबारता है? तो पापियों को कौन उबारता है? भगवान ईश्वर जो है वो उबारता है. फोर्थ क्वेश्चन, शक्तिहीनों को परमेश्वर क्या देते हैं? शक्तिहीन मतलब दुर्बल, निर्बल, जो कमजोर होते हैं, तो भगवान उन्हें सामर्थ्य देते हैं, ताकत देते हैं कि वो अपना काम अच्छे ढंग से कर सके. हमें इस जीवन में क्या क्या चाहिए? लास्ट क्वेश्चन है आपका, हमें इस जीवन में क्या क्या चाहिए? तो हमें इस जीवन में भगवान से सम्मति, उनकी अनुमति चाहिए, सहमति चाहिए और उनसे हमें ज्ञान चाहिए.